हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आपसे पहले अपने वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, पर मैं फिर भी उसको एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज हमारे घर में अगर डस्टबिन में कूड़ा करकट है तो हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, दैट इज गार्बेज इन, एंड फिर जब हमारा डस्टबिन भर जाता है तो उसको जाके बाहर डंप यार्ड में डंप कर देते हैं, गार्बेज आउट। सबके साथ ये हर रोज हो रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि एक दिन हमारी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि आप अपना गार्बेज बाहर डंप यार्ड में नहीं डाल सकते। सो अब क्या होगा? गार्बेज इन तो हो गया डस्टबिन में, पर हमारे पास कोई भी जगह नहीं है उसको फेंकने की। अब हम करेंगे कि हम अपने गार्बेज को घर में एक कमरा ढूंढेंगे जो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसमें एक अलमारी ढूंढेंगे और ये गार्बेज उसमें फूसने लग जाएंगे, धक्का लगा लगा के उसको भर देंगे और हमारा घर साफ हो जाएगा। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज गार्बेज इन एंड गार्बेज स्टोर्ड। हमारे घर में गार्बेज तो है पर हमने उसको स्टोर कर लिया है। स्टोर कहाँ किया? एक अलमारी के अंदर। हमें गार्बेज नज़र नहीं आ रहा है, हमारे घर में कोई गंदगी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ गार्बेज बीइंग देयर, हमारा घर एब्सोल्युटली क्लीन है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में अंदर जाता है, जिसको कि इंसुलिन सेल्स के अंदर स्टोर करने लग जाता है। अब ये जो गार्बेज हमने अपनी अलमीरा में भरा था वो कुछ समय के बाद वहाँ पे गलने लग जाएगा। गलेगा तो उससे स्मेल होगी, उसमें कीटाणु उगेंगे और तो और अब बीमारियाँ भी घर में आने लग जाएंगी। सो घर साफ है, क्लीन है, बट उसमें बदबू है और अब बीमारियां भी हैं। सो इन स्पाइट ऑफ क्लीन होम वी हैव अ हाउस विच इज़ फुल ऑफ बैड स्मेल एंड डिजीज। इसी तरह जब हमारी बॉडी में जो हमने एक्स्ट्रा खाना खाया था, जो ठूस ठूस के हमारे सेल के अंदर भरा गया था, वो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है और कुछ समय के बाद बीमारियाँ भी आएंगी। आज हमें वो डैमेज नज़र नहीं आ रहा है, आज हमें वो बीमारियां नज़र नहीं आ रही हैं। अब जो गार्बेज हमने अपने घर में स्टोर किया था, इसको मैनेज करने के हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि हम गार्बेज ही कम बनाएं। सो गार्बेज कम बनेगा तो हमें स्टोर भी कम करना पड़ेगा। दूसरा है कि हम अब अपने गार्बेज को सेग्रीगेट करने लगें। सेग्रीगेट करने का मतलब है कि हम उसमें गीला गार्बेज और सूखा गार्बेज अलग अलग करें और गीले गार्बेज को घर में एक गड्ढा खोदें मिट्टी में और उसके अंदर गाड़ दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। तो इससे क्या होगा कि गीला गार्बेज कंपोस्ट भी बनेगा, गंदगी भी नहीं फैलाएगा और बीमारी भी नहीं आएगी और स्मेल भी नहीं होगी। और बचा हमारे पास केवल सूखा गार्बेज, जिसको हम अपनी अलमारी में स्टोर कर सकते हैं। और साथ साथ हम एक कंडीशन लगा देंगे कि कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस किया जाए। घर में सबको बोल दिया जाएगा कि कागज़ बिना बात के इधर उधर नहीं फेंकिए। सो जो गार्बेज हमारा अलमारी के अंदर स्टोर होना था उसको बेटर भी कर लिया और कम भी कर लिया। इसी तरह जो खाना हमारी बॉडी में ठूस ठूस के भरा जा रहा है उसको हमें ठीक करना है और कम करना है। सो जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें दो चीज़ों को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड में हमें गुड क्वालिटी फूड खाना है केवल, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, पुअर क्वालिटी फूड नहीं खाना है। एंड क्वांटिटी ऑफ फूड को भी कम करना है। जिस तरह हमने कचरा कम किया उसी तरह अगर हम खाना कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में जो खाना स्टोर हो रहा है वो कम हो जाएगा। सो क्वालिटी ऑफ फूड में क्या आता है? क्वालिटी ऑफ फूड में आता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स का कम सेवन करना है। कार्बोहाइड्रेट्स का कम सेवन का मतलब है कि हमें चीनी हर फॉर्म में, चाहे वो चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, शहद है,
उसको बंद करना है, मीठे फलों को भी कम करना है, आलू को कम करना है, चपाती चावल कम करनी है, एंड कोशिश करनी है कि हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो मार्केट में मिल रहे हैं उनको बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। क्वालिटी ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने से इम्प्रूव हो जाएगी। खाने में खाना क्या है, हमें खूब सारी सैलड्स खानी है, वेजिटेबल्स खानी है, अपनी दालें खानी है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेनी है, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो एग्स एंड नॉन वेज खाना भी ले सकते हैं। संतुलित मात्रा में आपने फैट लेना है एंड प्रोटीन लेना है और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। सो ये तो हुआ क्वालिटी ऑफ फूड। अब क्वांटिटी ऑफ फूड का मतलब है कि जितनी आपको भूख है उससे आपने 20% कम खाना है। आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाना शुरू किया, जब आपको लगे कि आपका पेट ऑलमोस्ट भर गया है पर पूरा नहीं भरा है, उसी समय आपने अपना खाना बंद कर देना है। जैसे ही आपने अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ठीक करना शुरू किया तो आपकी बॉडी भी बेटर फील करेगी। अब आपने घर में जो गार्बेज को स्टोर किया था वो भी कुछ समय के बाद अलमारी में भरने लग गया, चाहे वो सूखा गार्बेज था, वो गंदगी नहीं कर रहा था, वो बीमारी नहीं कर रहा था, बट फिर भी वो आपको तंग तो कर ही रहा था। तो ऐसे में अब आपने सरकार के साथ कुछ जुगाड़ सेट करने की सोची, तो आपने सरकार को रिक्वेस्ट की एंड सरकार भी मान गई। सरकार मानी क्या कि हम आपसे सूखा कचरा लेंगे और केवल 200 ग्राम ही पर डे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जो आप पहले 1 किलो कचरा देते थे उसके जगह में अब हम केवल 200 ग्राम कचरा आपसे लेंगे। आपके घर में अगले दिन सुबह कचरे वाला आया, उसने अपना कचरा वे किया और आपसे 200 ग्राम कचरा ले गया। इससे क्या हुआ, आपके घर में कचरा क्वालिटी वाला भी बना, कम भी बना और वो डिस्पोज ऑफ भी हो गया, तो आपके घर में कोई भी कचरा नहीं बचा एंड आपका घर बिल्कुल क्लीन हो गया, कोई बैड स्मेल नहीं हुई और बीमारियां भी नहीं हुई। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो स्टोर एक्स्ट्रा फूड है इन स्पाइट ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो बर्न ऑफ हो जाएगा और हमारी बॉडी में से निकल जाएगा। पर ध्यान क्या रखना है, 1 किलो में से केवल 200 ग्राम ही सरकार ने लिया था। इसी तरह एक्सरसाइज का भी केवल 20% रोल है, 80% रोल आपके पास है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फूड। सो 80% है खाने को कम खाना और बेटर क्वालिटी खाना। अगर आप ये तीन चीज़ें करते हैं तो आपके सेल के अंदर एक्स्ट्रा फूड जमा नहीं होगा, आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके सेल के अंदर बीमारियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि स्मेल खराब हुई और फिर कीटाणु ग्रो किए, इसी तरह घर में बीमारी आई। इसी तरह जब एक्स्ट्रा खाना आपके सेल में आता है तो सेल को डैमेज होता है, सेल डिजीज्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे बीमारियां आने लग जाती हैं। जब सेल आपके डैमेज हो रहे होते हैं तब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक आएगा, आपका HbA1c भी ठीक आएगा, आपके सारे टेस्ट जो आप करवाएंगे सब ठीक आएंगे, पर सेल डैमेज हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपनी बॉडी का आज जब आप हेल्दी हैं तब ध्यान रखें, तब नहीं जब आपकी बॉडी को डैमेज हो जाए और आपके टेस्ट रिजल्ट्स गड़बड़ आ जाएं। जिन लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स गड़बड़ आ रहे हैं इसका मतलब है उनके सेल्स को सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका है, उनके कचरे में स्मेल भी हो चुकी है, उनके कचरे में कीटाणु भी ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल घर में सुगंधित स्मेल को स्प्रे करने से घर साफ नहीं होगा, आपको कचरे को निकालना पड़ेगा। सो अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है, आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपको कोई और बीमारी हो गई है, तो केवल दवाइयाँ लेके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, दवाइयाँ लेके ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इन सबसे बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ये केवल आपने हवा में फुसफुस की है जिससे कि सफाई हो जाएगी हवा की, स्मेल की, हवा की स्मेल इम्प्रूव हो जाएगी पर उसमें बीमारी ख़त्म नहीं होगी। सो बीमारी कैसे ख़त्म होगी, आपको वो कचरा अलमारी में से निकालना है और बाहर फेंकना है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बीमारी की जड़ तक जाएं। बीमारी की जड़ तक जाने का मतलब है खाने की क्वांटिटी को इम्प्रूव करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें एंड उसकी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करें। आप ये सब करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। होपफुली आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। हम चाहते हैं
कि हमारे वीडियोस आप खुद भी सुने, अपने प्रियजनों को भी सुनाएं, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। इंडिया में एपिडेमिक हो रहा है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, क्रॉनिक डिजीजेस का। आपको हैरानी होगी जानकर कि 55% ऑफ अर्बन इंडियंस में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर पाया जाता है आफ्टर द एज ऑफ 50। हमारे यहाँ पे डायबिटीज एज वेल एज ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस अब अमेरिका से ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर हमारे से ज़्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं। हमें अब नहीं जागरूक होंगे तो एक एपिडेमिक आ रहा है। हमारी आज इस देश में यंगर जनरेशन अगले कुछ 10 से 15 20 सालों में बूढ़ी होने वाली है, जिस तरह का हम लाइफस्टाइल अपना रहे हैं एंड विद टाइम और वेस्टर्न होते जा रहे हैं, वो समय दूर नहीं है हर आदमी जो 50 साल के ऊपर होगा वो डायबिटीज से पीड़ित होगा, या फिर ब्लड प्रेशर से, या फिर किसी और बीमारी से। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को आज चेंज करें। जब बीमारी आ जाएगी तब चेंज करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि डैमेज सेल को तब तक हो चुका है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आज आप अपने आप को सुधारें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें कि वो हमारे चैनल पे आएं, इसको सुनें एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हम आपके साथ बने रहें और आपको नए से नया ज्ञान देते रहें, जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए लाभदायक हो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।